ये भाई साहब भी बोल रहे होंगे कि अगर कंगना ना ही बोले तो ही अच्छा है। कंगना, as per your experience, who has given you more unnecessary attitude in the industry, female co-stars or male ones? I think you, Karan. Me? I think you, Karan. Me? Dil wale puch dene cha. करण जौहर, कसम से बंदा मुझे कतई नहीं पसंद यार। नेपोटिज्म तो चलो एक चीज है जिसके लिए हर कोई इसको हेट करता है, लेकिन मुझे इस पे गुस्सा इस चीज से आता है, एटीट्यूड। मतलब तुमने अमिताभ बच्चन सर का एटीट्यूड देखा है? इतने बड़े, मतलब एक तरह के महानायक हैं, चाहे फिर उनके सामने छोटे से छोटा कलाकार हो, बड़े से बड़ा कलाकार हो, वो हमेशा हम्बल रहते हैं, हाथ जोड़ के रखते हैं, और ये ही एक मतलब महान पुरुष की निशानी होती है यार। और इस गिलहरी की तुम कोई भी इंटरव्यू वगैरह देख लो, कहीं पे भी, किसी भी लॉन्च में पहुंचा होगा, ये हर किससे तू तड़ाक करके बात करेगा। कोई इस गिलहरी को समझाओ कि तू तड़ाक करके बात करने से, अगर आपके पास पावर पैसा है और अपने से नीचे वाले के साथ तू तड़ाक करके बात करोगे, तो इससे आपका लेवल पता लगता है, आप किस टाइप के बंदे हो ये पता लगता है भाई। तो चलिए इस चमगादड़ की एक क्लिप देखते हैं छोटी सी। मैं जो करना चाहता हूँ मैं करना चाहता हूँ, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूँ या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूँ, आई कैन डू व्हाट द आई वांट। बहुत हल्का बंदा है रे तू। नहीं कसम से मुझे इस चिंपैंजी को देख के ना ऐसा लगने लग गया है कि बॉलीवुड में किसी का भी बच्चा पैदा हो, ये प्राणी दरवाजे पर ही खड़ा मिलेगा और उसको साइन कर लेगा अपनी फ्यूचर की फिल्म के लिए। मतलब ये हाल है इसका, क्योंकि इसको ये बात पता है कि साला अगर ये अपनी मूवीज में पैसा नहीं लगाएगा अच्छा खासा, किसी जाने माने हस्ती के लौंडे या लौंडिया को नहीं लेगा, तो इसकी फिल्में चलेंगी नहीं। नहीं मतलब कितनी पिद्दी सोच है इस प्राणी की। इसको समझाओ कोई भाई, इसको समझाओ कि तू अपने चाचे मामे ताए लौंडा लौंडिया लसन लौड़ा जिसको मूवी में लेना है ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, ये तेरी ही चॉइस है भाई। कोई स्टीपेंजी को समझाओ कि तुझे इन स्टार किड्स को मूवीज में लेना है ले, तेरी चॉइस है, चूतिया तेरे को कोई जेल में भी नहीं डाल सकता इस बात के लिए। लेकिन अगर तेरे पास एक प्लेटफॉर्म है ना, पैसा है ना, एक प्रोडक्शन हाउस तू चलाता है ना, तो तुझे नॉर्मल घरों के जो लौंडे लौंडिया आते हैं जिनके अंदर टैलेंट है उन्हें ऊपर पहुंचाना चाहिए। सर जी जो आपकी सोच है ना कि मैं अपने चाचे भतीजे चाचे मामे के लौंडे लौंडिया को मूवी में लूंगा, ये आपकी चॉइस है, ये कुछ नहीं दर्शाती, ये सिर्फ एक चीज दर्शाती है कि आप किस टाइप के बंदे हो, आपकी सोच कैसी है। इस साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। इस झक्कन की लाइफ में तुम्हें सिर्फ एक वीडियो के अंदर अंदर पूरी की पूरी दिखा दूंगा, आजो देखते हैं। Nice to meet you. Jay Martell. Nice to meet you, sir. Tasha Robbins. Come on, come on, come on. Feel that? Emily George. Okay. Nice to meet you. Daryl Strong. Come on. What's up, fam? How you doing? All right. Never forget about that, because that's all we got. Nice to meet you. Nice to meet you. All right. Oh, bring it in, bring it in. Starting from the bottom, now we're here. Yeah. Nice to meet you. All right. Nice to meet you. All right. Nice to meet you. Oh, my goodness. Look at this. Oh, she is so beautiful. I want another one. Beautiful. Beautiful. What's her name? Yeah, Ruji. Okay. Nice to meet you, Miss Ruji. All right. Yeah, come on. There he is. Boom. All right, very good to meet you. All right. Here we go. Right this way, sir. Ye beshram log. इनको अभी भी जरा भी शर्म नहीं है। मैं बता रहा हूं, अगर स्टार किड हग भी देना तो ये बंदा कैमरा लेके पहुंच जाएगा। वाह जी वाह, क्या हगा है बेंच, क्या हगा है, इस पे तो मूवी बननी चाहिए। और अगर वही कोई नॉर्मल घर का बंदा रियल टैलेंट एक अच्छी खासी तोड़ू परफॉर्मेंस दे, उनकी बारी में ये साले गांड फटी के सुनना भी नहीं चाहते। नो 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 नो, आई विल नॉट अलाउ दिस, आई विल नॉट अलाउ दिस। कंगना रनावत, बनना है तो कंगना रनावत मैम जैसा बनो। कसम से कल्ली ने कोई साथ नहीं देता सुशांत सर की तरह, उनके भी कोई ऐसे खास सच दोस्त है नहीं बॉलीवुड में, कल्ली ने इन जैसों के पिछवाड़ों पे डंडे मारे हुए हैं। मतलब जब भी मौका मिला है इन जैसे चूतियों की टपा डप टपा डप टपा डप बजा डाली है। जिस हिसाब से इस नेपोटिज्म किंग की लीज आ रही है ना पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर, सबसे ज्यादा खुश इस टाइम पर हार्दिक पांड्या होगा। करण भाई सच सच बताना, हार्दिक ने एक बार फोन करके तो पक्का पूछा होगा, रा भाई आगे स्वाद। डैम ये अच्छा था। भड़वे अब ट्वीट करके क्या जता रहा है, ये सिंपति अपनी चाचे भतीजे मामे ताए के बारियों में दिखाइयो भाई, अब लोड क्या सुशांत को तेरी सिंपति की, बता।
बॉलीवुड में किस एक्ट्रेस की कंपनी बेहद पसंद करते हैं आप? फ्रेंडशिप कंपनी मेरे फ्रेंड्स नहीं है बॉलीवुड में कंपनी मेरे फ्रेंड्स नहीं है बॉलीवुड में कितने दुख की बात है यार, कितने दुख की बात है, कितनी खोखली है इंडस्ट्री। साला अवार्ड शोज वगैरह में कितनी बार बोलते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री एक परिवार की तरह है, हम लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। परिवार है ना भाई, तुम जो बड़े बड़े सेलेब्स हो ना, तुम लोगों का परिवार है आपस में, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी फैमिली, बस यही लोग हैं और कुछ नहीं। कोई नीचे से बंदा अगर ऊपर आ जाए तो तुम उसे एंट्री देते नहीं बॉलीवुड में, मिल बांट के रखते नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है अगर वो रियल टैलेंट ऊपर आ गया तो तुम्हारे बच्चों की जगह खा जाएगा, क्योंकि तुम्हारे बच्चों के अंदर तो कोई नाम के अलावा तुम्हारे और कोई टैलेंट है नहीं, वो स्टार तुम्हारे बच्चों की जगह खा जाएगा, इसलिए तुम उसको कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते हो। और आज देख लो हर कोई ट्वीट डाल रहे हैं, चूतिए जोहर जैसे लोग भी ट्वीट डाल के कह रहे हैं यू विल बी मिस्ड, भाई हमें तुम्हारी याद आएगी। रघु भाई आना पड़ेगा आपको, इस भाई के लिए दो वर्ड तो आपको बोलने पड़ेंगे। ओह चुपचाप से आओ यार, चल बोलो चुपचाप जाके। भोसड़ी के मदरचोद, मच्छर की झाड़, गांडू मक्की, टट्टों के सौदागर। काश करण अर्जुन मूवी में ठाकुर साहब इस करण को ठोक देते। आपके विचार कितने पवित्र हैं। मतलब एक ये भी है यार, इन्होंने बॉलीवुड सिनेमा को दिए पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग, मतलब असली कलाकारों को बॉलीवुड पर्दे पर इन्होंने जगह दी है। और दूसरी जगह हमारे पास है ये जना जो खुद भी बड़े पर्दे पर हग रहे हैं और स्टार किड से भी हगवा रहे हैं। सच्ची में कसम से, अगर अनुराग कश्यप सर जैसे डायरेक्टर ना होते ना भाई, कसम से हमारी इंडस्ट्री तो गई थी काम से। तो कोई था ही नहीं हमारे पास, करण जौहर जैसे बंदे तो चूतियों को ही जगह देते हैं इंडस्ट्री में। तो भूल जाओ हमारे पास मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी जैसे लेजेंड्स को देखने को मिलता हमें, तो थैंक्स टू यू सर। ऑलराइट गाइस, अब जाते जाते बस इतना कहना चाहता हूँ कि अब तुम लोगों को इतना तो पता लग गया होगा किसको सपोर्ट करना है और किसको नहीं करना है सपोर्ट, अब तुम्हारे ऊपर है। लेकिन सच में अब ये बहुत जरूरी है, अगर तुम चाहते हो कि असली टैलेंट बड़े पर्दे पर नजर आए तो इन जैसों की अक्कड़ तोड़ना बहुत जरूरी है। जो इन्हें लगता है ना ये बस बैठ चुके हैं कुर्सी के ऊपर, इन्हें कोई गिरा नहीं सकता। शायद ये भूल रहे हैं कि पब्लिक क्या चीज़ है।